साधु साधु आए द्वारे, सुन विद्याधरणी रायणी, आज्ञा आख्या में पानी। दो साधु जी आए द्वारे, सुन विद्या धरणी रायणी, हो इसी के होगी अनहोनी क्यों, आख्या में आ गया पानी। वचन भरवाए पहला ना मतलब समझाया, पूरे कर दो वचन पिया। हे देव की नंदन, आपको उससे बड़ा कोई भक्त इस दुनिया में नहीं मिला होगा। नहीं अर्जुन, ये तुम्हारा व्यर्था वहम है। तो क्या मुझसे बड़ा भी कोई भक्त है? हाँ अर्जुन, संसार में हमारे बहुत से भक्त हैं। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं उस महान हस्ती को? तो आओ चलकर दिखाते हैं। चलो। हाँ विद्याधरणी। हाँ महाराज। बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ महाराज, लड़के की शादी करके आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, बहू भी सुशील है और ये सिर पे बोझ था। सही बात, आज हम इस बार से भी मुक्त हो गए महाराज। हाँ, और सारी प्रजा भी खुश है। हाँ, और एक बात बताऊं? हाँ महाराज। आपको भगवान ने हमारे कोई कन्या तो दी नहीं, इसको वही प्यार देना है, एक बेटी वाला प्यार। ये तो महाराज कोई कहने की बात नहीं है। हाँ, ये लड़की अपनी तो है नहीं। हाँ, मेरी तो बेटी भी यही है। हाँ, और बहू हाँ, भी यही है। बहुत अच्छी बोले, बहुत अच्छी। अब मैं तो महाराज जैसा राज मन ने कराया है उसे भी ज्यादा इसको खुशी देना चाहूंगी। हाँ हाँ, यही हम करना चाहते। ठीक बात। प्रणाम पिताश्री। आनंद करते रहो पुत्र, आनंद करती रहो पुत्री। प्रणाम बेटा। खुश हो ना बेटा? खुश है पिताजी। तो जाओ, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है बेटे, चलो फूलो। अरे खुशी खुशी चलो महल में चलो। क्या बात महाराज, हंसी क्या आई? बस क्या विदा देनी, हमारे भी अपना जमाना याद आ गया। तो अच्छा विद्या देनी, हम अपने राज दरबार जाते हैं। ठीक है महाराज। ठीक ठीक। प्रणाम महाराज जी। आदेश, जाओ अपने महाराज को कहो कि दो साधु आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक महाराज। प्रणाम महाराज। आनंद करते रहो दरबारी, कहो तो कैसे आना हुआ? बाहर से दो साधु आए हैं, आपके आगे आओ तो उनको बुला लें। जाओ उन्हें आदर से दरबार में लेकर आओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज। खुश रहो। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। हे मुनिवर, मेरे धन्यभाग जो आप हमारी नगरी में पधारे, कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे मुनिवर, आप काफी दूर से पैदल चलकर आए होंगे, पहले स्नान कर लें, फिर मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता हूं। नहीं, भोजन हम बाद में करेंगे, पहले हमारा शेर भूखा है, इसकी भोजन की व्यवस्था की जाए। ठीक है मुनिवर, अभी मैं किसी शिकारी को जंगल में भेज के इसके लिए खाने का प्रबंध करवाता हूँ। ये ऐसा वैसा भोजन नहीं करता महाराज। हे मुनिवर, पहले आप स्नान कर ले, बहुत अच्छा मैं मांस मंगवाऊंगा शेर के लिए, फिर उसके बाद आप भोजन खा ले, तब तक शेर का मांस आ जाएगा। राजन। कहिए मुनिवर। हमें आपका बहुत नाम सुना है। आप लोगों की दया है, आप लोगों की कृपा है मुनिवर, और आपसे हमें तीन वचन चाहिए। हे महाराज,
आप वचनों की बात कहते हैं, ये राज चाहिए हम आपको राज दे देंगे, धन चाहिए आपको धन दे देंगे। नहीं, हमें सिर्फ तीन वचन चाहिए। मांगिए मुनिवर, आप क्या मांगना चाहते हैं, कौन से वचन है, मांगिए। इनकार तो नहीं करोगे? कैसी बात करते हो मुनिवर, आप हमारी जान भी मांगेंगे, हम निसंकोच आपको अपनी जान भी दे देंगे मुनिवर। तो ठीक है, हमारे शेर के लिए जो भोजन की व्यवस्था करनी है, उसके लिए आपको अपने लड़के का मांस इसको खिलाना पड़ेगा। क्या कहा मुनिवर? हाँ, पहला वचन है ये मेरा, दूसरा वचन सुनोगे? और दूसरा वचन राजन, उस लड़के को इसके भोजन के लिए जब काटोगे तो तुम्हें और तुम्हारी रानी ने अपने हाथों से उसके टुकड़े करने हैं। तीसरा वचन राजन, जिस समय आप अपने लड़के त्वरध्वज को काटोगे उस समय तुम्हारी और रानी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ठीक है मुनिवर, हमें आपके तीनों वचन मंजूर है, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार अपनी रानी से बातें कर सकता हूं? क्यों नहीं। ठीक है मुनिवर, मैं बहुत ही जल्दी आपके पास आता हूं। ठीक है, प्रणाम मुनिवर। ठीक है राजन। महाराज, आप इतने जल्दी कैसे आ गए? जल्दी नहीं। क्या बात महाराज, आपका तो चेहरा बड़ा उतरा हुआ नजर आ रहा है। क्या बताऊं? हाँ बताओ महाराज, क्या बात, इतनी उदासी का क्या कारण है? क्या बताऊं विद्याधरणी, बात ही कुछ ऐसी है, आया मैं आपको बताने ही हूं, लेकिन जबान नहीं निकलती हूँ, बात मैं कैसे बताऊंगा? महाराज नहीं बताओगे मेरे को, पता कैसे लगेगा? बोलो महाराज, क्या बात है, आपकी उदासी का कारण क्या है? विद्याधरणी, दरबारों में आज दो साधु आए। तो इसमें तो इतना उदास होने की कोई बात नहीं महाराज। उनके साथ एक उनका भूखा शेर भी। अच्छा। उन्होंने अपने शेर के लिए मांस मांगा, मांस विद्याधरनी। तो महाराज इसमें उदास होने की क्या बात है, आपके पास इतने नौकर चाकर हैं, इतने शिकारी हैं, किसी शिकारी को जंगल में भेज के मांस मंगवा लेते। नहीं विद्याधरनी, जो वो शेर मांस खाएगा वो शिकार जंगल में नहीं विद्याधरनी, वो जंगल में नहीं मिलेगा। और शिकार कहाँ मिलता है महाराज, आप यूं क्यों कर रहे हैं, खोल के बात बताइए, बात क्या है? विद्याधरणी, जो बात हुई है मेरे साथ आज दरबारों में, वो ध्यान से सुन, अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सुन, मेरी बात सुन विद्याधरणी। बोलो महाराज, ऐसी क्या बात है? बात सुन। वो दो साधु आए द्वारे, सुन विद्याधरणी रायणी, ओ इसी के होगी अनहोनी क्यों, आ गया आख्या में पानी। दो साधु आए द्वारे, सुन विद्याधरणी रायणी, ओ इसी के होगी अनहोनी क्यों, आख्या में आ गया पानी। वचन भरवाए पहला ना मतलब समझाया, पूरे कर दो वचन पिया जो साधवान चाया, एक शेर वैसा थम ले रे कई दिनों से कुछ ना खाया, बेज शिकारी जंगल में तने क्यों ना
तेरी भी सुन काप जाकाया रे, तेरी भी सुन काप जाकाया, मन जो बात बताईनी। गणी कसुती चोट मार दी के कह दी कड़वी वाणी, दोसा दूरे आए दवारे सुन विद्या धरनी राईनी। इसी के होगी अनहोनी क्यों आ गया आँखों में पानी। दान दे दिया मन साधु को तेरी आँखा का तारा, बेटे गे लखे कर राखी बेद बता दो सारा। शेर मास खावे बेटे का मरवा के जीत प्यारा, ऐसा शेर किसा ले रे से जो खावे बेटा हमारा, ओ, ओ, ओ खावे बेटा हमारा। साधु भाई जद पे अड़िया रे, साधु भाई जद पे अड़िया, एक अरज ना मानी। कल ब्याह के न लाया से हो बैठी बवड़ रानी, साधु रे आए दवारे सुन विद्या धरनी राईनी। इसी के होगी अनहोनी क्यों आख्या में आ गया पानी। हिरनियों कदी थी रो सुतने मात पिता खुद मिल के, कैसे बेटा चीरा जागा आवे हिया उझल के। शरत तीसरी है उनकी ना नीर आँख ते धड़के, तेरा राज खोसने आए वचन भरा लिए छड़के, वचन भरा लिए छड़े के। हे भगवान दर्द समय हो, हे भगवान दर्द समय ना चाल गे रखी जाईनी। हसी खुशी के मौके पे भरी कर दे कुणबा घाणी, दो साधु रे आए दवारे सुन विद्या धरनी राईनी। इसी के होगी अनहोनी क्यों आ गया आख्या में पानी। नाटे से दरबारा में जाके नाट ले, बेटे के बदले में पिया जी मेरा शीश काट ले। लाजवती बहु सुन के कैसे जाल डांट ले, वा सुन के टक्कर मारेगी हो जहर चाट ले, जहर चाट ले। राम रतन सतपुरुषों की, राम रतन सतपुरुषों की तो लिख दे अमर कहानी। कर्म पाल तू ले सुर के मां गा दे कथा पुरानी, साधु रे आए दवारे सुन विद्या धरनी राईनी। इसी के होगी अनहोनी क्यों आ गया आँखों में पानी।
किसी के होगी अनहोनी, क्यों आ गया आख्या में पानी। क्या किया महाराज ये आपने? मैं एक बेटा, कल मेरे बेटे की शादी हुई है, आज मैं अपनी बहू कैसे कैसे देख लूंगी विधवा रूप में। विद्याधरनी, वचन दिए गए तेरे स्वामी से, क्या बेटा हमारा नहीं है? आप कैसे बाप है? आपका बेटा होता तो आप ये वचन नहीं देते महाराज। बगैर कहे पहले वचन ले लिए विद्याधरनी। अगर ये वचन मैंने पूरे नहीं किए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मेरी मदद कर विद्याधरनी, मेरी मदद। अरे बाप तो हम भी है, बेटा हमारा भी है विद्याधरनी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पकड़ता हूँ। महाराज आप एक बात बताइए। बोलिए। हम राजा जरूर है, पर आप ये बताओ एक माँ और बाप अपने बेटे को कैसे काट सकते हैं? विद्याधरनी काट भी सकते हैं, लेकिन एक शब्द ये भी है, जब अपने बेटे को हम काटेंगे विद्याधरनी हम रोएंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं। विद्याधरनी तो मेरी धर्म की पत्नी है। महाराज मैं पत्नी हूँ पर एक बाप भी हूँ। अरे हम भी एक बाप है विद्याधरनी, ऐसी बात नहीं है। वो साधु हैं, उन्होंने हमसे जो मांगा है हम उनको वचन देकर आए हैं। विद्याधरनी हमारी मदद करो। महाराज मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं अपने बेटे पे आरा नहीं चला सकती महाराज। विद्याधरनी आरा आरा नहीं चलाना है, अपने बेटों के हम दोनों काटते हुए रोए नहीं। विद्याधरनी रोए नहीं, जितना रोना है हम रो सकते हैं। विद्याधरनी पादर बारों में जा करके अपने बेटे को काटते वक्त रोना नहीं। विद्याधरनी रोना नहीं, रोना नहीं। विद्याधरनी वो साधु है, वचन हमने दिए हैं हमारा साथ तो, और आप जो कहना चाहती हैं यही कहें वहां जाकर नहीं, यही कहें आपने जो कहना। सुबह का बचपन शाम बुढ़ापा, दोपहर जवानी आवे से, मन रहे देख या कहीं पीख हो, बाढ़ कितने खावे से। सुबह का बचपन शाम बुढ़ापा, दोपहर जवानी
पीते जी हाय मेरे पति जी ना जहर आप ते चाटेगी परी जवानी झाल डटे ना रात दिन दुख बाटेगी ठुकर दिल ने डाटेगी वा ठुकर दिल ने काटेगी जी ते जी कपने उठावे से मन रही देखिया कही बीक हो बाढ़ खेत ने खावे से समझ के बेटे की जो रखा पेट तू दे समेट हो शान चीर के जेठे की के जानू तिल कड़ूंगी मैं कर्म कोख गणी है ठेकी ना करती बात लपेटे की हो ना करती बात लपेटे की सब अपने अगत चला वैसे मन रही दिखिया कही बीक हो बाढ़ खेत ने खावे से जोर लात के माँ किस माँ ने बेटा चीरा से ठाके आ रहा हाथ के माँ सारी दुनिया कांप उठे इसी दर्द भरी बात के माँ ऋषि पाल ले हाथ के माया ऋषि पाल ले हाथ के माया कर्म के कलम चलावे से मन रही दिखिया कही बीक हो बाढ़ खेत ने खावे से सुबह का बचपन शाम बुढ़ापा दोपहर जवानी आवे से मन रही दिखिया कही बीक हो बाढ़ खेत ने खावे से सुने महाराज मेरी बात हाँ विद्याधर ने आपकी बात सुनी लेकिन ये एक मजबूर बाप एक अभागा बाप पृथ्वी पर ऐसा अनर्थ किसी ने नहीं किया होगा जो ये मोहर ध्वज करने जा रहा है विद्याधर ने बुरे वक्त के समय पत्नी साथ छोड़ दे अच्छी बात नहीं है महाराज बात साथ छोड़ने की नहीं है मैं ये भी नहीं चाहती अगर मेरा पति वचनहारी हो और मैं ये भी नहीं चाहती अगर मेरा पुत्र मुझसे दूर हो दोनों बातें नहीं हो सकती विद्याधरनी दोनों बातें नहीं हो सकती अचानक सारी बात हो गई विद्याधरनी मुझे नहीं मालूम था ये बातें होंगी ये तो महाराज आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं आप ये बताओ मैं क्या निर्णय लूं विद्याधर ने जो बातें थी मैंने आपको बता दी हैं एक बार फिर हाथ जोड़कर कहता हूँ तुम चली तो और बहू को समझा दो नहीं महाराज मेरी नार तार लो चाहे आप पर मैं पुत्र वधू के पास नहीं जा सकती महाराज मैं नहीं जाऊंगी ठीक है हम खुद अपने पुत्र वधू अपने बेटे के पास जाते हैं ठीक है विद्याधरनी मैं जाता हूँ उनके पक्ष में जाओ महाराज स्वामी आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ अच्छा मैंने जितने भी अपने जीवन में स्वप्न देखे थे
आज वो पूरे हो गए। क्या-क्या स्वप्न देखे? एक लड़की के लिए क्या स्वप्न हो सकते हैं? आप जैसे पति को पाना, महाराज को पिताश्री के रूप में पाना, राजमाता को माता के रूप में पाना, मैं बहुत सौभाग्यवती हूं। पुत्र तवर ध्वज। लगता है महाराज आ रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। आनंद करते रहो। माफी चाहता हूं अपने बेटे के कक्ष में अचानक आना। पिताश्री आप इस वक्त? हाँ पुत्री, इस वक्त मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं बेटी। मुझसे पिताश्री? हाँ बेटी। पर पिताश्री मैं तो आपको कुछ भी नहीं दे सकती, मैंने तो अपना सर्वस्व अपने स्वामी के चरणों में अर्पित कर दिया है। ठीक कह रही हो पुत्री, आज ही आपका ससुर धर्म का ये बाप एक ऐसी अनमोल चीज मांगने आया है बेटी। किसी बाप ने, किसी ससुर ने अपनी पुत्र वधू से नहीं मांगी होगी। पिताश्री ऐसा क्या मांगने आए हैं आप मुझसे? बात ऐसी है पुत्री, बोलते हुए हमारा दिल हिल रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा। आज बेटे दरबार में दो साधु महाराज आए। जी पिताश्री। उन्होंने तेरे इस ससुर से तीन वचन मांगे बेटी, तीन वचन। जी पिताश्री। क्या आपके कान उन वचनों को सुनने की शक्ति रखते हैं मेरी बेटी? ऐसा क्या मांगा उन्होंने, आप मुझे बताइए तो सही। अवश्य बताऊंगा बेटी, अवश्य बताऊंगा। पहला वचन उन्होंने मांगा, उनके साथ एक शेर जो कि भूखा है, उसकी भूख, उस शेर की भूख बेटी मेरे लगते जिगर के टुकड़े तुम्हारे पति तवर ध्वज के मांस से। नहीं ऐसे मत कहिए। मैंने पहले ही कहा था बेटी। दूसरा वचन ये है बेटी, तुम्हारी राजमाता और हम अपने बेटे को अपने हाथों से चीरे। अपने हाथों से बेटी, अपने हाथों से। पिताश्री ऐसा करने से पहले आप मुझे चीर दीजिए। और तीसरा वचन बेटी, तीसरा वचन मेरी बेटी, जब हम ये कार्य कर रहे होंगे, अपने बेटे तवर ध्वज को काट रहे होंगे, हमारी आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए बेटी, आंखों से नहीं आना चाहिए आंसू। पिताश्री ये आपने क्या किया बेटी? एक बाप जो अकेला कर नहीं पिताश्री अपने बेटे को मांग रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे। आप मुझे ले चलिए, मैं उस शेर के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी पिताश्री, इन्हें मत ले जाइए। तुम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो मेरी बेटी, मेरे स्वामी को मत ले जाइए। तुमने अभी संसार में आके देखा ही क्या, आपने तो मुझे खुश रहने का वचन दिया था, अब आप ही मेरे अपने हाथों से मेरा सुहाग उजार रहे हैं। मुसीबत में आपका कर्तव्य बनता है, हर बेटा बेटी का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बाप का साथ दे। मुझे मेरा बेटा दे दे बेटी, मुझे नहीं, बेटा नहीं। आप
शरण ले लीजिए, मेरे स्वामी को बख्श दीजिए। ये नहीं हो सकता पुत्री, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पिताश्री, आप भीख न मांगिए, आपके साथ चलने के लिए तैयार। धन्य हो पुत्र, धन्य हो, लेकिन ये हमारी पुत्र वधु भी अपनी जगह गप थी। अरे इसके हाथों की मैं की पुत्र, लेकिन बेटी हिम्मत से और हौसले से काम लो। अगर आज तुमने अपना पति मुझे नहीं दिया, तुम्हारा पति मुझे नहीं दिया, तो ये तुम्हारा अभागा ससुर वचनहारी हो जाएगा बेटी, वचनहारी हो जाएगा। वचनहारी नहीं होने देंगे। पिताश्री, अगर मेरे स्वामी की यही इच्छा है तो मैं इनकी इच्छा के आगे सर झुकाती हूँ। धन्य है बेटी, धन्य है पुत्री, हिम्मत से धैर्य से काम लो। मैं अभी खातिके के पास जाता हूँ और उससे आराम मांग कर लाता हूँ। धन्य है पुत्री, धन्य है। स्वामी, ये आपने क्या किया? आनंद करते रहो बेटी। महाराज, आप यहाँ नहीं चक्कर मारो, हमें बुला दिया होता। ऐसा है, मेरे ऊपर आज एक विकट समस्या आन पड़ी है। क्या समस्या महाराज? वो बेटे, समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। मुझे आपका लकड़ी काटने वाला आरा चाहिए। आरा? वो किस लिए महाराज? मेरे दरबार में दो साधु आए हुए हैं, उन्होंने मुझसे वचन मांगा है कि मैं अपने बेटे तवर ध्वज को आरे से काटूं और तुम्हारी महारानी आरे से काटे, उनका भूखा शेर मेरे बेटे का भोजन खाए। ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे, मुझे आरा चाहिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ महाराज, मेरा पुत्र ले जाए, लेकिन आप अपने पुत्र को बलि ना चढ़ाए। मैं आपकी भावना की कदर करता हूँ बेटी। वो हमारे युवराज महाराज। ठीक है बेटे, लेकिन मैं वचन दे चुका हूँ साधुओं को, अपना ही बेटा काटूंगा, मुझे आरा दे दीजिए अपना। नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे संभव है महाराज? आपका एक ही तो पुत्र है, वो उत्तराधिकारी है यहाँ का। आप हमारे पुत्र को ले जाइए। मैं बार बार यही बातें कहता हूँ, आप अपने राजा का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं वचनधारी हो चुका हूँ, वचन दे चुका हूँ बेटे। अब मेरी बात सुनिए बेटे, मेरी बात सुनाइए महाराज। घर आए की लाज राखिए, आए करिए नायन कार, खाती के मन आरा दे दे कर के पनीदार। घर आए की लाज राखिए करिए नयन कार, खाती के मन यार दे दे करके पनीदार, घर आए की लाज राखिए। मन जरूरत आन पड़ी से आज तेरे आरे की, और किसे का दोष नहीं रे चोट करम हारे की। मन जरूरत आन पड़ी से आज तेरे आरे की, और किसे का दोष नहीं रे चोट
चोट कर्म हारे की, उस ईश्वर की इच्छा तेरे, उस ईश्वर की इच्छा तेरी माया अपरम पार, खाती के मन यारा रजे दे करके पनी दार, घर आए की लाज राखिए, मैं आया सूं तेरा सुन के ही आहे लेगा, लकड़ी कटन आला आरा मेरे पुत्र पे चलेगा, भीड़ पड़ी मैं आया सूं तेरा सुन के ही आहे लेगा, लकड़ी कटन आला आरा मेरे पुत्र पे चलेगा, इकलौती का बेटा से रे, इकलौती का बेटा से मेरा याना रजकवार, खाती के मन यारा रजे दे करके पनीदार, घर आए की लाज राखिए, जन्म देनिया मात पिता आज बेटे न काटेंगे, नीति नियम धर्म के कारण मर्यादा डाटेंगे, जन्म देनिया मात पिता आज बेटे न काटेंगे, नीति नियम धर्म के कारण मर्यादा डाटेंगे, हम तीरंगे बेटे ने रे, हम तीरंगे बेटे ने यो देखेगा संसार, खाती के मन यारा रजे दे करके पनीदार, घर आए की लाज राखिए, पल मेरे लेख आज दुनिया खाली होगी, मेटन न मेरा बीज बंश आज होनी कटे बोगी, कैसुक पल मेरे लेख आज दुनिया खाली होगी, मेटन न मेरा बीज बंश आज होनी कटे बोगी, धर्मवीर सुन सत्यवादी रोया, धर्मवीर सुन सत्यवादी रोया, गेल्या रम अवतार, खाती के मन यारा रजे दे करके पनीदार, घर आए की लाज राखिए, करिए नयन कार, खाती के मन यारा रजे दे करके पनीदार, घर आए की लाज राखिए। प्रणाम। आपके आदेश अनुसार ये आरा मेरे हाथ में है और ये मेरा पुत्र तवर धवज आपके सामने है। रानी कहाँ है? ये हमारी महारानी है। तो ठीक है, देरी किस बात की? ठीक है महाराज, प्रिय
अपने हाथ में आरा पकड़िए। आरा सिर पे टेक दिया, सलाम थे राजा रानी, महाप्रतापी राजा थे इसी टेक धर्म की जानी। आरा सिर पे टेक दिया, चलाव थे राजा रानी, महाप्रतापी राजा थे इसी टेक धर्म की जानी रे, टेक धर्म की जानी। धर्म समझ के दिल ना हल्या, धर्म समझ के दिल ना हल्या, ध्यान रहे गया हर में, राजा रानी दोनों वाके कोन्या फिक्र जगरी में, पहला खोटी आज बनया से अपनी जिंदगी भर में, जानूंगा मेरे पूत होया ना गया करके बैठे सबरी में, जय शिव हरे राम जी, जय शिव हरे राम जी, लकड़े मुक्त बाई, मां प्रतापी राजा थे इसी एक धर्म की जानी। उसे ईश्वर की परम गति पे, उसे ईश्वर की परम गति पे, कोन्या चलती पेश, मात पिता की सच्ची आत्मा बेटा कर दिया नेक, दोनों ओढ़ते दोनों खींचते दिया सत पे आरा टेक, बोलता कोई नहीं सुनिया रहा सर खड़ा यो देख, पल में जो चाहे कर दे हर की, पल में चाहे जो कर दे हर की, किसने गति पछाणी, मां प्रतापी राजा थे इसी एक धर्म की जानी। कृष्ण के संग अर्जुन भी, कृष्ण के संग अर्जुन भी कुछ डरता डरता आवे, कदे न्यून शिवो रे फिरता फिरता आवे, बड़ा भगत भाई बड़ा भगत न्यू करता करता आवे, आधा धड़ तो चीर दिया न्यू चिरता चिरता आवे, इसे भगत की दुनिया के माँ, इसे भगत की दुनिया के माँ, हो जा अमर कहानी, मां प्रतापी राजा थे इसी टेक धर्म की जानी। धर्म की तो घटा तना दी, धर्म की तो घटा तना दी, खुद अपने बेटे की दुनिया के माँ बात जना दी,
खुद अपने बेटे की चीरक दो हाड़ बोना दी खुद अपने बेटे की बोटी बोटी अलग गिना दी खुद अपने बेटे की मंगे राम धर्म पाए अड़ गया मंगे राम धर्म पे अड़ गया बात सोच ली शाइनी मां प्रतापी राजा थे इसी एक धर्म की जानी आरा सिर पे टेक दिया चलावा थे राजा रानी मां प्रतापी राजा थे इसी एक धर्म की जानी मां प्रतापी राजा थे इसी एक धर्म की जानी हे महाराज आपके आदेश अनुसार मैंने अपने लखते जिगर के दो हिस्से कर दिए हैं महाराज अब मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज महाराज अपने शेर को बुलाओ हमारे पुत्र का भोजन कराओ हे अर्जुन जैसा मैंने तुम्हें कहा था क्या तुम वो देख रहे हो बिल्कुल सच था देवकी नंदन मुझे आज पता चला कि भगवान से भी बड़ा भक्त होता है और मुझे जो घमंड था वो मेरा टूट गया है मुझसे भी बड़ा भक्त इस संसार में और भी है जैसे राजा मौरध्वज हे मुनिवर आपके आदेश अनुसार मैंने सब कार्य कर दिए मैं आपसे एक भीख मांगता हूं काफी देर से मेरा हर्जा फटा जा रहा है मुझे रोने की आज्ञा दे दी जाए महाराज मेरी पत्नी को मुझे रोने की आज्ञा दे दी जाए हे राजा मौरध्वज अब तुम्हारा रोने का समय समाप्त हुआ आप मैं कृष्ण और ये अर्जुन ये महाराज ये सब क्या खेल दिखाया आपने ठीक है अब तो मुझे और मेरी पत्नियों को एक बार जी भर के रोने दे हमारा पुत्र मरा हुआ है एक बार रोने दे हमारे को अब आपका रोने का समय समाप्त हुआ आपका पुत्र जीवित हो चुका है कैसी बातें करते हैं देवकी नंदन हमने और हमारी पत्नी ने खुद अपने हाथों से इसको काटा है आप एक बार अपने पुत्र की ओर देखिए पुत्र तवर धवज नहीं महाराज नहीं बोल रहा एक बार फिर अपने पुत्र को आवाज दो हे पुत्र तवर धवज हे भगवान माता जी देखिए देखिए मेरे सामने सही है हे देवकी नंदन हाथ जोड़कर आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ जैसी आपने इस इंसान की परीक्षा ली कभी भी ऐसी परीक्षा किसी इंसान की मत लेना हे देवकी नंदन मुझे आज पता चला के भगवान से बड़ा भक्त होता है हे अर्जुन इस दुनिया में बहुत से घमंडी लोग हैं और हमेशा घमंडी का ही सर सबसे नीचा होता है मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए ही राजा मौरध्वज की परीक्षा ली हे देवकी नंदन आज मेरा घमंड दूर दूर हो गया आपने जो एक राजा मौरध्वज की परीक्षा ली तब मुझे पता चला मेरा घमंड झूठा था हे अर्जुन इसलिए कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए ठीक कहते हो प्रभु स्वामी के प्राण आपको नहीं दे सकती
सावित्री, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, इसलिए आप सत्यवान को छोड़कर, इनके प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग सकती हैं। आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। हाँ हाँ, मैं आपको सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कुछ भी देने को तैयार हूँ। प्रभु, मुझे 3 वचन देने का कृपा करें। तथास्तु। प्रभु, कहीं आप मना तो नहीं कर देंगे ना? नहीं सावित्री। तो प्रभु, मुझे 3 वचन देने की कृपा करें। हाँ बोलो सावित्री। प्रभु, मेरा पहला वचन है कि आप मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए। तथास्तु। मेरा दूसरा वचन है कि आप उन्हें उनका खोया हुआ राजपाट वापस लौटा दीजिए। तथास्तु। और मेरा तीसरा वचन है कि मेरी कोख से एक पुत्र का जन्म होना चाहिए। तथास्तु। सावित्री। जी प्रभु। मैंने अपने वचन पूरे कर दिए, अब मैं सत्यवान के प्राण लेकर जा रहा हूँ। प्रभु, आपने अभी तो मुझे वचन दिए हैं और आप स्वयं ही अपने वचनों का निरादर कर रहे हैं। सावित्री, आपकी ससुर की सास की आंखें आ चुकी हैं और उनका राजपाट भी लौट चुका है, आपको उत्तरतन की प्राप्ति हो जाएगी। यमराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और बिना पति के मेरी कोख से एक पुत्र की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आप स्वयं ही अपने वचनों से इनकार कर रहे हैं। संकट, घोर संकट। अगर आप अपने वचन को इनकार कर रहे हैं तो आप इनके प्राण ले जा सकते हैं। हे परमात्मा, ये क्या अनर्थ हुआ मुझसे? सत्यवान को मैं लौटा नहीं सकता और वचन हारी भी नहीं हो सकता। अब मैं करूं तो क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता। हे परमात्मा, करूं तो मैं क्या करूं? यमराज, मैंने आपको पहले कहा था, आप अपने वचन से इनकार मत कीजिएगा। सावित्री, तुम जीत गई और मैं हार गया। मैं सत्यवान के प्राण लौटाता हूं। स्वामी।